हमारी जोहार यात्रा के अवसर पर हमारे देश उपस्थित इस राज्य के ही नहीं पूरे देश की पहचान बन चुके एक विकास पुरुष के रूप में और इस राज्य को इन विपरीत परिस्थितियों में तेजी से विकास के मार्ग पर दौड़ाने वाले इस राज्य के युवा कर्मठ हर दिल अजी सभी वर्गों के चहेते हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के चतरा के विधायक और हमारे माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे भाई श्री बादल जी, मंच पर उपस्थित पलामू प्रमंडल के कांग्रेस के प्रभारी भीम कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा के जिला अध्यक्ष, तमाम मंचस्थ पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण, कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारीगण, मनिका विधायक हमारे भाई पुराने साथी श्री रामचंद्र जी और बड़ी संख्या में उपस्थित आज ये जनसभा ये बताने के लिए काफी है कि अब इस राज्य में अब वैसा लोगों की नहीं चलने वाली है कि जनता को अपने झूठ साझ में जात पात में हिंदू मुसलमान में अपने जाल में फंसाकर और चुनाव के समय सिर्फ वोट लेने तक उन्हें जनता की याद रहती है और उसके बाद जनता किस हाल में है इसका कोई ख्याल नहीं रहता, सिर्फ फिर 5 साल के बाद उन्हें जनता की याद आती है। लेकिन अब वो दिन लद गए, वो दिन गुजर गए। अब देखिए भी आपने 2019 में अपनी सरकार बनाई थी, अपने घर की सरकार बनाई, झारखंडी जनसरोकार, झारखंडी मानसिकता, झारखंडी सोच की सरकार आपने बनाने का काम किया और इन 3 वर्षों में जैसे ही सरकार का गठन हुआ पिछली सरकार ने क्या क्या किया था ये बताने की जरूरत नहीं है। पिछली सरकार ने हाथी उड़ाने में गुजरात, बंबई, दिल्ली और दूसरे कोलकाता जैसे शहरों में अपने आकाओं को वहां से बुला बुलाकर और आपके खून पसीने की कमाई जिससे राज्य सरकार का कोष भरता है उस खून पसीने की कमाई को उनके आदर सत्कार में उनको सोने की थाली में, चांदी की थाली में, फाइव स्टार होटलों में ठहराकर और उनका आवभगत करने का काम किया और दिखाने का काम किया कि देखो ये झारखंड जिस पर आप लोगों ने हमारा कब्जा करवाया है, अब इस झारखंड को जितना लूटना चाहो लूटो और वही लूट का साम्राज्य हाथी उड़ाने वाले दल के लोगों ने उसी लूट का साम्राज्य बनाकर रखा 5 साल और जनता अपने हाल पर बेहाल रही, जनता अपने हक अधिकार के लिए टकटकी लगाकर देखती रही, फटे हाल रही जनता, न रोटी मिलता, न कपड़ा मिलता, न मकान मिलता, न राशन कार्ड, न किसानों को खेत में
स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। यहां तक के पिछली सरकार ने इस राज्य की जनता के साथ धंधा मजाक करने का काम किया था। यहां के गरीब गुड़बों, यहां के पिछड़ों, यहां के आदिवासियों, यहां के दलितों, यहां के अल्पसंख्यकों, यहां के जो ऊंची जाति के गरीब है उनके तन से कपड़ों तक उतारने का पिछली सरकार ने काम किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2013-14 में जब चंद दिनों के लिए 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना लागू की थी, सोना सोग्रम धोती साड़ी योजना, और मिला भी था, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने, जिसे इस राज्य की जनता से किसी तरह का मोह नहीं, राज्य की जनता का कोई शोक नहीं राज्य की जनता के प्रति, वो धोती साड़ी भी छीनने का काम किया था। ये आप लोगों को याद होगा कि सोना सोग्रन धोती साड़ी योजना पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, याद है कि नहीं? याद है? अभी मिलना चालू हुआ कि नहीं धोती साड़ी, बताइए? मिलना चालू हुआ ना, तो देखिए ऐसी सरकार जो आपके तन से कपड़ा भी उतारती है, आपका राशन भी छीनती है, आपका आवाज भी छीनती है। आज केंद्र सरकार, क्योंकि उसकी सरकार यहां नहीं है, इसलिए केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार आज यहां आवास योजना में भी भेदभाव करने का काम कर रही है। जो केंद्र सरकार की ओर से राशि आनी चाहिए वो राशि लंबे अरसे से बंद है, और हमारे गरीब गुरबों का आवाज, जो प्रधानमंत्री आवाज, जिसको पहले इंदिरा गांधी आवाज कहा जाता था, इंदिरा आवाज कहा जाता था, आज वो आवाज बनना जो बंद हुआ है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर है तो वो केंद्र सरकार की है। और आज जब इस राज्य में अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके, गरीब गुरबों को लक्ष्य करके, यहां के आदिवासियों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू हो रही है, पूरे राज्य की जनता जश्न मना रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे देश में इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में, चाहे वो हमारे मनरेगा कर्मी हो, पारा टीचर हो, अनुबंध कर्मी हो, सेविका सहायिका बहने हो, या और पेंशन स्कीम से लाभान्वित होने वाले लोग हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, या हमारे सहायक पुलिस हो, पुलिस कर्मी हो, हजारों हजार की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर, और वहां होली, दिवाली, ईद, बकरीद, सारा त्योहार मनाने का काम किया, पटाखे फोड़े, अबीर उड़ाए, गुलाल उड़ाए, माननीय मुख्यमंत्री को मिठाइयां खिलाई, अबीर लगाए, और उनका आभार व्यक्त किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने उसी दिन यह निर्णय लिया था कि राज्य की सभी जनता रांची आकर उनसे नहीं मिल सकती है, उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती है, उनका आभार नहीं व्यक्त कर सकती है, इसलिए हम खुद जाएंगे जनता के बीच। और ये कोई नया सिलसिला नहीं है, 3 साल में ये तीसरी, चौथी, पांचवी बार अनेक योजनाओं को, विभिन्न तरह की योजनाओं को लेकर, अभी 15 दिन 20 दिन में नहीं हुआ है, पूरे राज्य का दौरा माननीय मुख्यमंत्री ने किया, आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत, और जनता को योजनाओं के बताने के बारे में बताने का काम किया, योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने का काम किया, और अभी 20 दिन भी नहीं बीता है, आप देखिए आपके मुख्यमंत्री आपके बीच आकर, और जो योजनाएं आपके लिए लागू की जा रही है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री विस्तृत रूप से आप लोगों को बताने का काम करेंगे, कि जो काम आज 15 साल 18 साल पहले होना चाहिए था, जितनी योजनाएं भी लागू हुई है उसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे धोती साड़ी योजना हो, चाहे ग्रीन कार्ड, राशन कार्ड की योजना हो, चाहे सावित्री बाई फुले
कन्या समृद्धि योजना हो, सुकन्या योजना हो, या जितनी भी योजना लंबी फहरिस्त है, इतना लंबा फहरिस्त है, चाहे मुख्यमंत्री हम स्वरोजगार योजना हो, एक नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ राज्य की आम जनता को मिल रहा है। और अब वैसे राज विरोधी ताकतों को ये बच नहीं रहा है। आप देखते होंगे कि रोज रोज तरह तरह का, कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, कभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, क्योंकि उन्हें पछता नहीं है कि इस राज्य के निर्माता इस उंगरू शिबू सोरेन जिन्होंने आपको ये राज दिलाने का काम किया, और शाम से आप हम बोलते हैं आज कि हम झारखंडी हसीना ठोक के बोलते हैं, होने का बेटा है दिसंबर शिबू सोरेन जी का, जिसने कभी परवाह नहीं की पुलिस की लाठियों के, न जेल की, न गोलियों की, जंगलों पहाड़ों की खाक छानी, और आपको आपका राज दिलाया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे सारी ताकत झोंको, सारे पुलिस झोंको, सारी संस्थान झोंको, सारी ताकत लगा दो, उसी शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, वो जब तक राज के हर दिन पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं दिला देता है, तब तक जेल से नहीं बैठेगा, न जेल से डरेगा, न सीबीआई ईडी, और न ही चुनाव आयोग, न ही गवर्नर की भक्ति किसी से करने वाला नहीं है। और जो जिम्मेदारी आप लोगों ने सौंपी है, और जो समर्थन आप लोगों का मिल रहा है, समर्थन जो आप लोगों का मिल रहा है, ये समर्थन हमारे माननीय मुख्यमंत्री में ऊर्जा भरने का काम करता, और दुगुने चौगुने जोश से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आपकी सेवा में लग जाते हैं। इसलिए आप लोग आओ, ये गांठ बांध लीजिए, और एक नारा और हमारे साथ आप लगाइए, लगाइएगा, हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए। तो मैं कहता हूं कि जो खतियानी की बात करेगा वही झारखंड को राज करेगा। मैं कहता हूं बोलिए, जो खतियानी की बात करेगा, जो से बोलिए, जो खतियानी की बात करेगा, जो खतियानी की बात करेगा, जो स्थानीय की बात करेगा। अब समय की काफी कमी है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम है, अभी माननीय मुख्यमंत्री आपसे विस्तृत रूप से अपनी बातों को आपके पास आपके समक्ष रखेंगे। अंत में मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है लंबे समय तक दूसरी सरकारों को बनाकर, और जो आपने अपनी सरकार, अपने घर की सरकार बनाई है, ये दोनों में आप अंतर देखिए, उसके बाद ही आप कोई निर्णय पर पहुंचने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहर, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो आए, मंच पर आए और अपने बात को संबोधन करें। माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वो आए। मोबाइल लेके भेजो सोपीस ना को। खाद्यानी जोहर, यात्रा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राज्य के 3.5 करोड़ झारखंडियों के आशा और विश्वास, विकास के किरण, युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री बादल जी, पेयजल विभाग के माननीय मंत्री मिथिला ठाकुर जी, मणिका विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह जी, मंच पर गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, और विभिन्न गांवों से, विभिन्न प्रखंडों से पैदल और गाड़ी से चलकर आए सभी
भाई एवं बहनों और दैनिक मीडिया पत्रकार मित्रों, कल हम लोगों ने विधेयक खतियारी जवाहर क्षेत्र गावास लोगों ने प्रारंभ किया। आज हम लोगों का दूसरा चरण है और खासकर झारखंड में कई सरकारें आप लोगों ने 20 वर्षों में देखा है, कोई विकास न सड़क बनाना, पुल बनाना, स्कूल बनाया, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन की सरकार चले, लेकिन गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम 3 बरस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 बरस तो हम लोग कोविड काल में थे, जो पूरा देश, पूरा प्रदेश भाली भाती सबदा है, उस विपत्ति को लोग जानते हैं, लेकिन 1 वर्ष में बेमिसाल झारखंड का विकास हम गिनती करेंगे, घंटों समय लग सकता है, लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि जो हमारे गांव, जंगल, पहाड़, खेत खलिहान में हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो सरकार के योजनाओं के प्रतीक्षा में रहते थे, जिनके पास पदाधिकारी, जनसेवक, पंचायत सेवक उनके यहां नहीं पहुंचता था, लेकिन हमारे माननीय जिसम गुरु शिवू सोरेन जी का जो सपना और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का जो सपना और माननीय सोनिया गांधी जी का जो सपना था, वो साकार हो रहा है। क्योंकि गरीब का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि गरीब जो ब्लॉक में और अंचल में, थाना में और जिला में जो चक्कर काटते हैं जन समस्या लेकर, उनको प्रखर अंचल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हम लोगों ने 2021 से 2022 लगातार आपके अधिकार, आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके तहत लाखों लाख लोगों को लाभ भी मिल रहा है और हम लोग इसका जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। और हमारे श्रम विभाग में कई उल्लेखनीय काम हो रहा है, जो हमारे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, तो किसी तरह गंभीर घटना घट जाती है, उनका कोई देखने सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, अगर कोई घटनाएं घट गए तो लाने वाला नहीं था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सपना दिखाया था हवा जहाज और प्लेन चढ़ाने का, आज तक तो चढ़ाया नहीं, लेकिन ऐसा अपना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी साइकिल चलने वाले को ट्रेन से लेकर, प्लेन से लेकर, हवा जहाज सब चढ़ाने काम किए, और इतना बड़ा अपना अपने बचते हुए लाखों लाख लोगों को बचाने काम किया। 8 लाख मजदूर पूरे झारखंड से दूसरे प्रदेश में काम करते थे, हम लोगों की पता नहीं थी कितना लोग बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन सभी को कोविड काल हम लोगों ने सुरक्षित रखा, और जब हाट बाजार दुकान सब बंद था तो दीदी किचन योजना चलाकर 3 टाइम माननीय मुख्यमंत्री भोजन देने का काम किया, और हमारे कौशल विकास विभाग के तहत कई प्रशिक्षण कई तरह के हो रहे हैं, 40 तरह के जितने हमारे यहाँ युवा युवतियां हैं जो रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं, हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है, और एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रारंभ किया है जिनका नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जो पूरे प्रखंड तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और सभी को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किया है, जो हमारे कई माननीय मंत्री महोदय ने आप लोगों के बीच रखा है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अभी के जो झारखंड का माहौल वातावरण है, हम कह सकते हैं कि महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री का झारखंड में लहर है और विपक्षियों का जहर है, जो अभी का माहौल है। आने वाले चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, पूरे झारखंड में महागठबंधन की जीत होगी और एक तरफा जीत होगी, क्योंकि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और आगे भी कई योजनाएं प्रारंभ करने वाली है। सरकार ने ठाना है कि जो हमारे विभिन्न समुदाय के लोग हैं, कई कब्रिस्तान हमारे नहीं बनते थे राज्य में, लेकिन अभी यह लिमिटेड हर एक जिला में कब्रिस्तान का जाल बिछाया जा रहा है,
सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पुल का जाल बिछाया जा रहा है, हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली, और जो बिजली बिल है 100 यूनिट तक बिजली भी फ्री किया गया है। इतना बड़ा अभियान ये सरकार का है जो लाभ लेने का जरूरत है, क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यही कहना चाहता हूँ कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हारों में बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन पे श्रीमान जी हर किसी को मुस्कुराहट मिली। बड़े उत्साह है हम सब में, बड़े रोमांच सबके मन में, पुलक उठा समा सरा, खुशी से झूमता जन जन। बहुत आभार कहते हैं बढ़ाया मान आकर हमारे कार्यक्रम की भव्यता दी आपने श्रीमान। आप तो एक पारस है जो 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 सोच के पल में करते हैं, कुशल स्याली पत्थर सुधर मुहूर्त करते हैं। मिली मोहब्बत हमारे भाग है, श्रीमान आए हैं अभिनंदन, हमारे मन में नम्न वंदन करते हैं। अब मैं जिसका इंतजार था, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री, झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, झारखंड के गरीबों का मसीहा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं।
सरकार चलाने के साथ साथ मैं समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में जा जाकर सरकार के द्वारा बनाई जा रही योजना और उस योजना का लाभ जिनके लिए हम बना रहे हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखने के लिए मैं पहुंचता रहा हूं आपके बीच। हम आपके साथ इस तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि आपको सरकार से जो उम्मीदें हैं और जो आप सरकार से चाहते हैं उसको पूरा किया जा सके। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि कई बार आपके पंचायतों में आपके घर के द्वार में सरकार के द्वारा अनेक शिविर लगाए गए। प्रथम कड़ी में सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हमने पदाधिकारियों को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। अलग राज्य राज्य नहीं बनने से पहले भी कभी भी ऐसा मंजर हम लोगों ने नहीं सुना जहां हमारे गांव पंचायत में शिविर लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा हो। बेचारा बुढ़ा हो बुजुर्ग हो मजदूर हो किसान हो सबको अपना फरियाद लेकर के या तो ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ता था या जिला कार्यालय में जाकर के चक्कर काटना पड़ता था। और जिला कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय में जितना पदाधिकारी होता था उतना ही दलाल भी वहां घूमता है और हमारे ग्रामीणों को ठगने का काम करता है। जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे आज चूंकि हम जानते हैं हमारा झारखंड प्रदेश का बनावट नदी नाला पहाड़ कहां डोहरा दुनिया भर का दुर्गम जगह है। आमतौर पर पदाधिकारी ऑफिस में ही बैठ करके अपना काम निपटारा करने का कोशिश करता है लेकिन सरकार का स्वस्थ सोच है चाहे राज्य का कितना भी दुर्गम इलाका हो पदाधिकारी को हर हाल में उन जगहों पर जाना है। और इसीलिए सड़क हो या ना हो अभी पदाधिकारी कोई ट्रैक्टर से कोई मोटरसाइकिल से कोई गाड़ी से कोई बैलगाड़ी से फोटो कॉपी मशीन लैपटॉप कंप्यूटर ले लेकर के ढोंढो करके आपके गांव में शिविर लगा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। लाखों लाखों आवेदन पहले चरण में हमें लगभग 30 लाख ग्रामीणों की समस्या का आवेदन मिला था। जब दूसरा चरण हम लोगों ने शिविर लगाया तो लगभग 60 लाख का हमको आवेदन प्राप्त हुआ। जब इतना आवेदन जब हमको पता चला कि इन शिविरों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है
तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर 20 सालों में इस राज्य में क्या हुआ। हमारे विपक्षियों ने जो 20 साल में राज करने का काम किया और 20 साल जो इन लोगों ने कुर्सी में बैठकर, आखिर इन लोगों ने क्या किया? समस्या का तो लगता है कि पहाड़ खड़ा हो गया। जब उन समस्याओं को हम लोगों ने जाना, समझा और उसके आधार पर हम लोगों ने लगातार आपकी समस्याओं को दूर करने का निर्णय लेना शुरू किया और जब उन निर्णयों के साथ आज हम धरातल पे जा रहे हैं तो हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द होने लग गया, खलबली मच गई है उसके अंदर में कि अब क्या होगा उनका राजनीति। हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग परसों बरस अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर काटता रहा, दलालों के आगे पीछे घूमता रहा, दलालों को घूस भी दिया बेचारा, लेकिन उन लोगों का पेंशन का कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड के लिए चक्कर लगाता रहा, राशन कार्ड नहीं बना। विधवा महिलाएं ब्लॉक का चक्कर काटती रही, विधवा पेंशन नहीं मिला। विकलांग घूमता रहा, विकलांग को भी पेंशन नहीं मिला, उसको कोई सहायता नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, लेकिन ना बुढ़ा बुजुर्ग को राहत मिला, ना विधवाओं को राहत मिला, ना विकलांगों को राहत मिला, ना किसानों को, ना मजदूरों को। क्या क्या 20 साल तक इन लोगों ने आपकी इतनी तकलीफों को देखकर हमने निर्णय लिया। हमने पहले भारत सरकार से भी आग्रह किया कि हमारे राज्य में गरीब गुरबा लोग बहुत अधिक है, हमारे राज्य में विधवा महिलाएं बहुत है, विकलांग बहुत है, जो हमारा कोटा है उस कोटा को बढ़ा दो ताकि हम हर गरीब को पेंशन दे सके, उनको राहत दे सके। लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। तब हमने कमर कस लिया और ये देश का पहला ऐसा राज बना जहां सब बुजुर्ग को पेंशन देने का कानून बन गया। ये देश का पहला ये राज है जहां हर बुजुर्ग को, हर विधवा महिला को, हर विकलांग को और हर एकल महिलाओं को पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। आज कोई दलाल का जरूरत नहीं है, 60 साल का उम्र हो गया किसी का, आप ब्लॉक ऑफिस में जाइए, अपना आए अपना आधार कार्ड दीजिए कि हमारा उम्र 60 साल का हो गया, तुरंत आपका पेंशन का कार्ड बनेगा। जो बना दे तारीख नाम दूर करेगा वो जेल जाने का भी काम करेगा। अब इसमें कोई दलाल उदाल नहीं, कोई पदाधिकारी का चक्कर होकर नहीं है। 20 साल में ना विधायक इस समस्या का समाधान कर पाता था, ना सांसद कर सकता था, ना मंत्री कर सकता था, और जिनके पास पैसा है वो लोग इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। आज का ये जन सैलाब अभी आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ लगातार इस मैदान में लोगों का जमा होना घुस रहा है। हम स्वागत करते हैं जहां से भी आ रहे हैं हमारे इतने बड़े जत्था में जुलूस लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को आज इस मैदान में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आज उत्साह देखिए, आज यही उत्साह जो 20 सालों तक इस राज्य के लोगों को जो जख्म भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्षों ने दिया है, आपका जो हक अधिकार लूटने का इन लोगों ने काम किया है, आप उन सब का एक एक पाई पाई का हिसाब लेने का समय है। और आज
वो तरह तरह के षड्यंत्र करने लगे। इनका कच्चा चिट्ठा हम खोलते जा रहे हैं और इनका जो इस राज्य के आदिवासी मूलवासी दलित शोषित अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण हुआ है इसका जब हम पाई पाई हिसाब ले रहे हैं तो ये लोग षड्यंत्र रच रच करके उल्टे सीधे प्रयास करके सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं और हमारी छवि खराब करना चाहते हैं। हम लोग बाहर करने आज इन लोगों ने 20 सालों में जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है जहां लोग राशन कार्ड हाथ पे लेकर के भाग भाग करके लोग मर गया और यही ये झारखंड है जहां कोरोना जैसा महामारी आया जहां हाट बाजार दुकान काम धाम सब पर रेगा कूली सब पर सबको घर में ताला लगा करके रहना पड़ा। मजदूरों के लिए ऐसी चुनौती एक आपदा से कम नहीं होता। मजदूर बेचारा रोज नहीं कर पाएगा तो चूल्हा भी नहीं जलता और कोरोना ने ऐसा हालत कर दिया कि अगर वो मजदूर घर में रहता है तो भूखा मरता है, घर के बाहर जाता है तो बीमारी से मरेगा। लेकिन ऐसे विपत्ति में भी इस राज्य में हमने अपने यहां की महिला दीदियों का साथ लेते हुए पंचायत पंचायत गांव गांव में मुफ्त भोजन खिला करके उन मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया। जीवन और जीविका को बचाने का हमने संकल्प लिया। और आज इस कोरोना में जहां ये हमारे विपक्षियों का सरकार है वहां पर लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, इतने मर रहे थे कि लकड़ी जलाने के लिए खत्म हो गया, इतने लोगों का मृत्यु हो गया कि दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया। ऐसे स्थिति में भी हमने झारखंड में कभी ऐसी कोई घटना नहीं होने दी, सबको सुरक्षित रखा और सबके सहयोग से हम लोग इस कोरोना का जंग को भी हम लोगों ने जीता। लेकिन इन पैमानों ने जब आप दिन था उस समय लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया, इस राज से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। लाखों लोग दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते थे और कोरोना के चक्कर में जहां तहां उनको मरने के लिए छोड़ दिया। कई ऐसी चीजें आज हमारे निर्णय के लिए जो ये हमें कोस कर रहे हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने निर्णयों को लेकर आज आप लोग के बीच में आए और हमने सोचा कि यह राज एक आंदोलन का उपज है और हम एक आंदोलनकारी के खून के रूप में यहां पर आपके सामने खड़े। क्या हमारा निर्णय गलत है? हमने सोचा चलो तो अपने शहीदों से थोड़ा आशीर्वाद ले, चलते हैं हम अपने किसानों से आशीर्वाद लेते हैं, चलते हैं अपने हम मजदूरों से आशीर्वाद लेते हैं। क्या इस राज में सभी बुजुर्गों को पेंशन देना मेरा क्या गुनाह है? ये लोग इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं, इतने झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का जमात है और ये ऐसी जमात है जो देता नहीं है, ये छीनने वाले लोग हैं। आज यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा अगर अपने पैर पर मजबूती से खड़ा हो गया तो उसके यहां खाड़ी कौन मानेगा, उसका मालिक कौन बनेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा? आज हमने हर वो तैयारी कर ली जहां यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी
दुनिया का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है। ये लोग सिर्फ राज करने जानते हैं, शोषण करना जानते हैं और शोषण के बदौलत अपना जेब भरने का जब काम हुआ। आज इसीलिए परसों से यह मांग थी कि 1932 का हथियार लागू करो। 20 साल तक डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं लागू किया, ना इसके बारे में बोला। 1932 और अलग राज की लड़ाई के लिए अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दे दी। निलांबर पीतांबर से भिखारी हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अनेक ऐसे वीर सपूत गिनने से भी नहीं खत्म होंगे। इतने लोगों ने यहां के मूलवासी आदिवासियों की सुरक्षा के लिए अपने को सूली पे चढ़ा दिया, अपने बाल बच्चों की परवाह न कर अपने को निछावर कर दिया इस राज के लिए। तो हमने भी कसम खाया कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा और कानून भी बना। बेचारा यहां पर हमारा बड़ा सा वर्ग, यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा समूह रहता है, यहां पर ओबीसी का लोग बड़े संख्या में रहते हैं। जब अलग राज बना तो यहां के ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता था, लेकिन यही बेमानी बच्चियों ने 27% का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। और आज हमने पूरा उन ओबीसियों को 27% आरक्षण देने का निर्णय किया ताकि वो अपने आरक्षण से वंचित ना हो। सबका साथ और सबका विकास, ये विकास नहीं विनाश का काम करते हैं। आज 20 साल में किसी खेत में पानी नहीं दे पाए, खेत का तो छोड़िए, साफ पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिला। अभी हम लोगों जब सरकार बनाए, कोरोना हमारे साथ साथ आ गया, 2 साल घर के अंदर ताला बंद रहे, 1 साल का तो ये गांव है, 1 साल में हम लोगों ने इतनी गाड़ी लकीर खींच दी है इनके ऊपर, ये इतनी भारी है कि इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा उसको पाने तक उस तक पहुंचने। अभी तो आप ही समय बाकी है और अगला संकल्प ये है, अगला संकल्प ये है कि अगली बार सरकार बनेगी और संकल्प के साथ इस राज का एक भी व्यक्ति को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाने देंगे, हर एक का खेत में पानी पहुंचाने का काम। अभी तो इन लोगों ने इतना जख्म दिया है, वो जख्म 5 साल में नहीं भरेगा, उस जख्म को भरने में हमें समय लगेगा। इसलिए आपने आप को एक छत के नीचे रखिए, एक छांव में आप रहे। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, अगला पिछड़ा के नाम पर हम लोगों को लड़वा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं और एक साथ मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं, एक थाली में खाने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग हमारा निवाला छीनने वाला लोग है। इसलिए इनको हमें आने वाला समय इसी तरीके से हम लोग भी राज अलग करने की लड़ाई में हमारे पूर्वज आदरणीय दिशोम गुरु जी और अनेक सपूत कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही नारा लगाता था।
सरकार कैसे चलेगा, राज कैसे होगा, इस पर चिंता ही नहीं। और नतीजा ये हुआ, राज तो मिल गया लेकिन राज का सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो राज अलग करने का घोर विरोधी लोग था। और अभी बोलता है कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज अलग करके दिया। अरे वाह, गजब है। क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक हो आरोपी अलग राज का एक भी लाठी खाया हो तो नाम गिरा करके दिखा दे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हम गिरत शहीदों का नाम गिरा सकता है कि इस राज के लिए कुर्बान हुआ। ये राज कोई भीख मांगने से नहीं मिला है, ये राज हम लोगों ने लड़ कर लिया है, छीन कर लिया है। अब अधिकार भी लड़ कर लेंगे और छीन कर लेने का काम करेंगे। खैर, ये तो छीनने का तो बात तब होता जब दूसरा कोई सरकार में होता। अब सारे अधिकार का गठरी बात बात करके तो हम आपका दरवाजा पे खड़ा कर रहे हैं। अब आप सबको घर के अंदर ले जाइए। अब मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अनेकों ऐसी योजनाएं जो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। आज हम बहुत चिंतित हैं, जो खबर हमको सुनने में आया जो 20 सालों का जो इनका शोषण है और 20 सालों का जो इनका कुकृत रहा है, उस कुकृत का नतीजा यह है कि आज हमारे राज्य में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं लगभग 40% बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है। ये 20 सालों का परिणाम है। आज इस 20 सालों का परिणाम है, यहां 50% से अधिक महिलाएं खून का कमी का शिकार है। और ये धीरे धीरे हमारी महिलाओं को भी खत्म कर देगा और हमारे आने वाले नस्ल को भी ये लोग बर्बाद करने पर तुला हुआ। तब हम लोगों ने 2019 में पूरा ताकत लगाकर आप लोग के बीच में, आपको याद होगा संघर्ष यात्रा के दौरान मैं गांव गांव पंचायत पंचायत विधानसभा वाइज हमारा दौरा था और हम आप लोगों के सामने सरकार बदलने का आग्रह किया था। और आज उस कुपोषण से हमें बाहर निकालना है, इस रात को हर महिलाओं को खून की कमी से बचाना है। इसीलिए हम अपने पुराने पूर्वजों के परंपराओं का, जहां हमारे घर घर में गांव गांव में गाय गोरु बकरी सुअर मुर्गी मीट मछली मुर्गा हुआ करता था, वो व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम आपके लिए, अगर घर घर में दूध होगा, अंडा होगा, खाने का पौष्टिक आहार होगा तो काहे के लिए हमारा बच्चा कुपोषित पैदा होगा, काहे हमारी महिलाएं खून की कमी होगी। आज के दिन में भी हमारे घर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, 80 साल का हो गया है, 100 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी डंडा पकड़ करके खेत में जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 50 साल पहले गांव में गाय गोरु जानवर भरा हुआ रहता था, घर घर में दूध मुर्गी अंडा पौष्टिक आहार मिलता था। लेकिन इन मेहमानों ने धीरे धीरे उन सब चीजों को खत्म करवाने का काम किया और आज गाय गोरु पालने के नाम पर पशु तस्करी का नाम देते हैं और यहां पर ये लोग मॉब लिंचिंग का काम करने का काम भी करना शुरू कर दिया है। आज हमने रेडियो मीटिंग में आज परमंडल का पूरा हम लोगों ने एक संक्षिप्त जानकारी लेने की कोशिश की सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर, और हमने विशेष रूप से जोर दिया है कि इस राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का बहुत बड़ा भूमिका है। इन पशुधन के माध्यम से हमारे गांव किसानों का अर्थव्यवस्था चलता है। इनका बैंक में बोरा भर करके पैसा नहीं है, इनके घर के पास इनके खातों में एटीएम कार्ड नहीं है, इनके पास अगर धन दौलत है तो यही मुर्गी है, यही गाय है, यही बकरी है, यही सुअर होता है।
इसी का खरीद बिक्री होता है, इसी का दूध पीते हैं, इसी का अंडा खाते हैं और अपने जीवन चलाते हैं। हर हाल में पशुधन योजना गांव गांव घर घर तक में होना चाहिए और पहुंचना चाहिए, और जो इस पर रोड़ा आएगा, जो इस पर बदनाम करने का कोशिश करेगा, उसे दंडित करने का भी काम सरकार को करना पड़ेगा। कई ऐसी चीजें हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे, या नहीं पढ़े लिखे नौजवान भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप स्वरोजगार के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आपके लिए हमने दरवाजा खोल रखा है सरकार का। आपको राशन दुकान चलाना है, आपको कपड़ा दुकान चलाना है, आपको होटल चलाना है, आपको ब्यूटी पार्लर चलाना है, आपको सिलाई मशीन का दुकान चलाना है, या कोई भी व्यापार करना है, आप सरकार को आवेदन दीजिए, आपको सरकार उस दुकान को चलाने के लिए पैसा उपलब्ध कराने का काम करेगा। आप 5 लाख का लोन लीजिए, आप 10 लाख का लीजिए, 20 लाख का लीजिए, 25 लाख का लीजिए, जैसे काम करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, बड़े पैमाने में करना चाहते हैं, करोड़ों रुपया में भी आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है। जुमलेबाज और घोटालेबाजों का जो विपक्ष, इनका कार्यकाल झारखंड मोमेंटम घोटाला, जमीन घोटाला, एसटीएससी छात्रवृत्ति घोटाला, कंबल घोटाला, टोपी घोटाला, गंजी घोटाला, कपड़ा घोटाला, सब घोटाला का ही इन लोगों का बाजार रहा है पूरे 20 सालों तक। आप लोगों के जब हम अपनी जमीन को बैंक खाता में डाल डाल करके अपने बेटे या व्यापारियों दोस्तों को रेवड़ियों की तरह उन जमीनों को बांट देने का काम किया, और ये उन सब चीज का लेखा जोखा लिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा कि ये घड़ियाली आंसू दिखाने वाले लोग आपको बहुत मीठा मीठा बात बोलेगा, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर आपकी भावना के साथ खिलवाड़ करेगा। हम भगवान भी पूछते हैं, भगवान पर भी आस्था रखते हैं, लेकिन राजनीति किए में, इस लोकतंत्र में आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, इसको आप कुर्सी से उठा फेंक सकते हैं और कुर्सी में बैठा भी सकते हैं। और ऐसी ताकत है और ये ऐसी लाठी आपके हाथ में है जो लाठी का आवाज नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, सीधा उसका असर दिखने लग जाता है। इसीलिए आप सब लोग को अब ये बताने हैं, आज ये लोग तरह तरह के जुमले बात करके और झूठे अफवाह के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, अपना पाप हमारे माथे पर टिका फोड़ना चाहते, मनरेगा घोटाला इनके सरकार में होकर, जांच हमारे सरकार में और हमारे मुद्दे में पहुंचने के काम करता है। और अपने किसी भी भाजपाइयों को ये ना पूछते हैं ना सवाल करते हैं, कोई बात नहीं, सरकार है तो सवाल का जवाब हमको देने का जिम्मा है, तो हम जरूर देंगे। और आप
से हाथ मिला करके दें। यही हमारी ताकत और आज आपके लिए जितने भी हमारे प्रयास है, जितना भी हमारे पास वक्त है, हर दिन हर क्षण आप लोगों के लिए हमारा समय आप लोगों के लिए आपकी योजना बनाने के लिए लगता है। हम आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे पढ़ने लिखे नौजवानों के लिए, अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारे किसान भाइयों को चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारे मजदूरों को चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका पढ़ाई लिखाई का भी पूरा खर्चा, चाहे वो इंजीनियर बने चाहे डॉक्टर बने, उसका भी पूरा का पूरा खर्चा आप राज्य सरकार देने का काम करेगी। ये आपका आप लोग बताइए, यहां जितना भी आदिवासी भाई है, जितना भी यहां के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई है, आप लोग कभी अपना सपनों में सोचते हैं कि आप अपना बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाइएगा? विदेश तो छोड़िए, हम लोग आसपास स्कूल में पढ़ा ले, यही बहुत बड़ी बात है, विदेश का तो सपना भी नहीं देखते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा सरकार लेगी, ये कानून बन गया, और उन बच्चों को विदेश भेजेंगे उसका पूरा पैसा खर्चा राज्य सरकार देगी। और जो बच्चा नौकरी की तैयारी करना चाहता है, कोई बैंक का तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई सेना में भर्ती का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, उस तैयारी के लिए जो ट्यूशन वो लेता है अलग अलग जगहों पर, उस ट्यूशन का भी खर्चा राज्य सरकार देगी, ये कानून हमने बनाया। और एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने यहां के बच्चों के लिए लिया है, और उसके माध्यम से 15 लाख रुपए तक का लोन 5 साल के लिए हम बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। और आपको बैंक से 12-15% में लोन मिलेगा, दुनिया भर का गारंटर परेंटर लगेगा, अब इस सब में वो सब लफड़ा भी खत्म, 5-6% का ये में 15 लाख का हमारे हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को लोन देने का काम हम लोग करेंगे। और हर वर्ग के चेहरे में मुस्कान है, पहले मंत्री लोग का घेरा होता था, हम विधायकों का घर घेरा होता था, कभी पारा शिक्षक, कभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, अनेकों संपर्क के लोग कि हमको मेरा वेतन बढ़ा दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, विगत 5 साल पूरे राज्य कर्मचारियों को हक अधिकार तो मिला नहीं, लेकिन पुलिस का लाठी डंडा इतना मिला कि अनेक लोग उसमें भी कर्मचारी लोग शहीद हो गए बेचारे। और आज देखिए, जहां पिछले डबल इंजन की सरकार में पारा शिक्षक लोग जो 12 महीना में 11 महीना सड़क पर आता था, आज वही पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना स्कूल पर है। कैसे, क्या हो गया पारा शिक्षक आज धरना प्रदर्शन नहीं करते हुए स्कूलों में बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर, उसका जगह सड़क नहीं था, उसका जगह स्कूल था, लेकिन इन बेमानों ने उनको स्कूल से बाहर निकाल के सड़क पर उतार दिया था। आज पारा शिक्षक मुस्कुराते हुए स्कूल जाते हैं। आज इस राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर उत्साहित है, और सभी वर्ग के लोग मंत्री विधायकों का घर घेराव कर रहे हैं, रंग गुलाल अबीर मिठाई बांट रहे हैं, और आभार प्रकट करने के लिए मंत्रियों के घर में घेराव हो रहा, ऐसा कभी नहीं देखा। पेंशन को लेकर हमारे सरकारी कर्मचारी, और पेंशन एक ऐसा चीज है जो बुढ़ापे का सहारा होता है, आजकल
बेटा बेटी भी कभी धोखा दे देता है, लेकिन अगर वही बुजुर्ग को पेंशन मिलता है तो बेटा बेटी लोग पेंशन के चक्कर में घर में भी रख लेता है। लेकिन ये मेहमानों ने पेंशन का भी पट्टा धार कर दिया और पुराना पेंशन स्कीम लागू करने वाला ये देश का पहला राज बना और हमारे कर्मचारियों को हम ये हमने उनको प्रदान किया। आज निश्चित रूप से जिस तरीके से बाजार का हालत है, जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, आपका गाड़ी का तेल, खाने का तेल, साग सब्जी दाल रोटी चावल और सब चीज महंगा, और ये महंगाई का कारण हमारा ये विपक्षियों का सरकार। तो इसलिए बातें बहुत सारी, अब आपको ये तय करना है क्या यहां बुजुर्गों को पेंशन देना गुनाह है, क्या बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा लेना गलत है, क्या विधवा महिलाओं को पेंशन देना गलत है, क्या हमारे किसानों को जानवर बांटना गलत है, कि हमारे पुराने पेंशन लागू करना गलत है, कि यहां पर इन सिपाहियों को उसका हक अधिकार देना गलत है। अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह हम कई गुनाह करेंगे और यहां के लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। आज इसीलिए हम लोग के पास इन विपक्षियों जैसा बड़ा बड़ा तंत्र नहीं है, ये चारों तरफ से भेड़िए की तरह हमला करते हैं और डराने का काम करते हैं। आज हम सबको एकजुट कर, एकजुट होकर इस झारखंड के इतिहास, इस वीर धरती का, ये वीरों की धरती का लाज रखने का काम करना होगा। हमारे जिन पूर्वजों ने इस राज को बनाने में, इस राज के मूलवासी आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अब इस राज को सजाने और संवारने का काम यहां का खदियानी मूलवासी आदिवासी मिलकर करेंगे। इसलिए मैं आगाना नहीं कहते हुए अभी हमें रांची भी जाना है, अभी शाम को प्रधानमंत्री जी के साथ फिर से वार्ता है, अभी पूरा कई देशों का हुजूम हो रहा है भारत में, उसी को लेकर के चर्चा होगी, हम देखते हैं उससे हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है कि हमारा उल्टा खर्च हो जाता है, चला जाता है, ये भी देखेंगे समय आने पर। हमारा मानना है कि ये संघीय ढांचा के रूप में ये देश सदियों से चलता आया है और ये संघीय ढांचा का एक मान सम्मान हम सबको रखना है। आज हमारा कई लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बकाया है, 1,36,000 करोड़ रुपया देश आजाद होने के बाद ये खराब चलाने वाले जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने सरकारी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया। हमारी सरकार बनी तो हम बोले यार ये लोग तो सब पैसा खा के हजम कर गया, गरीबों का सारा योजना कागज कलम में बना करके अपना जेब भर लिया, अभी राज चलेगा कैसे? इस राज के गरीबों को राहत हम देंगे कैसे? इस गरीबों को धोती साड़ी कंबल बांटेंगे कैसे? पेंशन कैसे देंगे? मानदेय कैसे बढ़ाएंगे? चिंता हो गया तो हम लोग भी थोड़ा मुनिमगिरी करना शुरू किए तो पता चला कि सरकार का या तो रैयती जमीन को तो एक तीन प्रकार जो भी झूठ सही मुआवजा मिल जाता था, लेकिन सरकारी जमीन का तो कोई मुआवजा नहीं। मतलब तो ये तो हो गया कि गरीब की भौजाई सबकी भौजाई, गरीब की बहू सबकी भौजाई, मतलब सरकार का जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। फिर जब
हमने जोड़ निकाला तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार में निकल गया। फिर चिट्ठी पत्री हुआ कि दो हमारा पैसा, बोलता कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं है। फिर हम लोग कागज पत्र लेके दौड़े, हिसाब समझाए, तब इन लोग भी माना हाँ ये बकाया पर निकलता है। लेकिन फिर पेच नहीं, अब नापना पड़ेगा कितना एकड़ जमीन गया, कितना एकड़ नहीं गया, नापने में समय लगेगा, ये होगा वो होगा, तब देंगे, हल्ला होगा, देखना होगा। हम बोले तब तो हमको फिर उलझा दिया जी, आपको मतलब आपको पैसा नहीं देंगे। फिर गोल गोल घुमाने लगा। हमने भी कहा आप लोगों ने यह माना कि सरकार को आपने पैसा नहीं दिया, हाँ पैसा तो बनता है लेकिन कितना बनता है पहले हिसाब निकालो। तो हम बोले ये तो बात है कि कुछ तो निकलता है, देना शुरू करो, थोड़ा बहुत मिलना भी शुरू हुआ। जब हमने उसमें तेजी लाई, पूरा हिसाब देना शुरू किया, सब जगह नापी जोखी करके तुरंत कागज भेजना शुरू किया, जब पैसा का दायरा बढ़ने लगा तो हमारे राज्य में पूरा जो जांच एजेंसियां है इनको छोड़ दिया गया। कहीं ईडी घूम रहा है, कहीं सीबीआई घूम रहा है, कभी इनकम टैक्स घूम रहा है, इधर उधर इस पदाधिकारी क्या छापा पड़ रहा है, उस मंत्री क्या छापा पड़ रहा है, और सभी सरकार चलाने वाले लोगों के ऊपर छापा पड़ रहा है। विपक्ष क्या छापा नहीं पड़ रहा, जो खा के हजम कर गए हैं और डकार मार रहा है उन लोग को कोई पूछने वाला नहीं, और जो कभी देखा नहीं अब उसके पीछे लगे हुए जवाब को। चिंता मत करो, जो सांप दौड़ा रहे हो ये सब सांप यह विपक्ष के घर के दरवाजे में घुसने वाला है। सभी का दरवाजा विपक्ष के ही दरवाजे में यह सांप घुसेगा, आज नहीं कल। लेकिन चिंता मत, हम लोग अलग राज लेने का ताकत रखते हैं तो अपना अधिकार लेने का भी ताकत रखते हैं। अभी राज लिया है और अधिकार भी केंद्र से लेके हर हाल में लेंगे। इसलिए अभी भी जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं वो शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन वो अमर होकर के शहीद हुए हैं। जब तक झारखंड रहेगा तब तक इन वीर शहीदों को याद किया जाएगा और उनके रास्तों पर ये राज चलेगा और अपना अधिकार के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा। और हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे, आप लोगों के लिए हर दिन हर रात आप लोग खुद ही बदलाव देखिए। आज से 3 साल पहले डालगंज में कितना बिजली मिलता था, कितना घंटा मिलता था, आज बिजली कितना घंटा मिलता, अभी डिस्टर्ब हो गया है आज बिजली। हाँ गरीबों के लिए तो 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी है, अब आपको 100 यूनिट तक का पैसा देने का जरूरत नहीं है, और कोई गरीब 100 यूनिट से अधिक जलाता भी नहीं, वो तो 20-50 यूनिट में ही खत्म कर देता है, 100 यूनिट का तो दूर की बात। तो कई ऐसी चीजें हैं, अब हम लोगों ने शिविर लगाया है, अभी सुखाड़ के लिए चिंता बना हुआ है, गरीबों के लिए तो चारों तरफ से तकलीफ ही तकलीफ। कुछ भी होता है तो सबसे पहले मार गरीबों को पड़ता है, किसानों को पड़ता है, मजदूरों को पड़ता है। अभी कोरोना से ठीक से खड़ा नहीं हुआ और सुखाड़ की स्थिति आ गई राज्य में, सभी किसान परेशान, सरकार परेशान, करे तो क्या करे। आज उसको लेकर के भी शिविर लगाने का काम किया जाएगा
और लगभग 30 लाख किसान को हम लोग फिर से, जो लोग रजिस्टर्ड किसान है उनको हम लोग चिन्हित करके सरकार अपने दम पर उनको सुखाड़ राहत देने की तैयारी कर रहा है। उनकी आंकड़े, उनका नामांकन किया जा रहा है। लगभग 256 कितना 226 ब्लॉक कुछ सुखाड़ ब्लॉक को हम लोगों ने सुखाड़ घोषित किया है। और अभी मंत्री जी बता रहे हैं 1,13,000 किसान पलामू के हमारे चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसको राहत हम लोग देने जा रहे हैं। और हमने आज पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है, कोई किसान छुप ना जाए। कहीं कहीं शिकायत आया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के मुसीबतें आ रही है, और बोले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर हाल में किसान के दरवाजे में जा करके उसका दरवाजा खटखटा करके पता करो कि वो किसान कहाँ है जिसको राहत हमें देना है। जैसे अभी बुजुर्गों को खोज खोज करके पेंशन दिया जा रहा है, वैसे ही आप पदाधिकारी हर अधिकार आपको घर घर पहुंचा के देगा। तो इसलिए साथी, अभी हमें और भी दूर जाना है लंबा। हम अपनी बातों को यही खत्म करते हुए एक बार हम लोग फिर से वो नारा लगाएंगे, जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड पे राज करेगा, जो खतियान की बात करेगा, जो खतियान की बात करेगा, जय हिंद जय झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं पार्टी को ज्वाइन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर सैकड़ों समर्थन, सैकड़ों नेता यहां पे आए हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आएंगे, और धर्मेंद्र सिंह छतरपुर से बाल मुकुंद सिंह संजू देवी, संदीप पटेल, हाजी शमीम अहमद, अल्पसंख्यक के काफी बड़ा चेहरा हाजी मोहम्मद शमीम अहमद अल्पसंख्यक का पलामू का बड़ा चेहरा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक सिंह समाजसेवी रंजीत जायसवाल, संजू देवी, संजय पटेल, हाजी शमीम अहमद, इकबाल कुरैशी, अभिषेक सिंह, मोहम्मद इल्ताफ सोनम, सलमान, बाल मुकुंद सिंह, संजय महतो, सरदार मन्नत सिंह बक्का, छोटू त्रिपाठी, डॉक्टर यशवंत कुमार फताइल, पूर्वी चैनपुर जिला पार्षद फताइल अहमद, पूर्वी चैनपुर जिला पार्षद छोटो त्रिपाठी, डॉक्टर यशवंत कुमार, प्रभु राम सदर प्रखंड,
अखिलेश जी, आप सभी लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सोनम शर्मा, सोनम सोनम ज्वाइनिंग वाले सोनम और सोनम, सोनम और सलमान, रंजीत जायसवाल जी, संजू देवी, संदीप पटेल, हाजी शमीम, अहमद इकबाल कुरैशी, अकबर कुरैशी, अभिषेक सिंह समाज सेवी, मोहम्मद इल्ताफ, सलमान राय, पारमुकुंद सिंह, पार्टी विधानसभा संजय मातो, छोटे त्रिपाठी, सरदार मोहन सिंह बग्गा, डॉक्टर यशवंत कुमार, प्रभू राम और अखिलेश जी, सैकड़ों समर्थन से आज झारखंड मुक्ति परिवार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रखंड के अध्यक्ष को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि मंच पर आने दीजिए, आने दीजिए। सभी प्रखंड अध्यक्ष, बेमा बमंडी मुखिया पति मोहम्मद फारूक अंसारी, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड के अध्यक्ष से मैं सागर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर चले आए। आइए बोलने जाइए, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है। हेलो, thank you.
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।